hello my youtube fam once again welcome back to my channel so friends how are you hope you are doing well so in today's video i am going to share with you a amazing party makeup with a black dress and this makeup look is all about glittery smoky eye so as you all know girls are always preferred with smoky eye makeup uh, that can be smoky glittery eye makeup or matte eye makeup एंड स्मोकी आई मेकअप गोज विद एवरी आउटफिट सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इन टू द वीडियो सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सबसे पहले इनके फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया था एज यू ऑल नो कि मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज़ में आपको बताती हूँ कि जब जब भी आप मेकअप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपका स्किन का एकदम क्लीन होना बहुत ज़रूरी है सो so, हमने यहाँ पे सबसे पहले इनकी फ़ेस पर टोनर लगा लिया है एंड इसके बाद हम इस इनकी फ़ेस को अच्छे से वाइप ऑफ कर रहे हैं आ, वेट वाइप से अच्छे से क्लीन कर रहे हैं जिससे कि अगर थोड़ी बहुत भी फ़ेस पर कुछ होगा आ, तो वो क्लीन हो जाएगा सो so, यहाँ पर मैं इनके लेंस लगाने जा रही हूँ जो कि मैं ऑफ कैमरा लगाऊँगी लेंस लगाना टोटली ऑप्शनल है बिकॉज मैं यहाँ पर अपनी मॉडल के मेकअप कर रही हूँ तो मैं आ, मैंने इनको लेंस वेयर कराए हैं क्योंकि हम यहाँ पर ग्लिटरी आई मेकअप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप ही कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि अगर हम पहले बेस मेकअप कर लेंगे तो बाद में जब हम आई मेकअप करेंगे तो जो हमारे ग्लिटर्स होते हैं वो फॉल आउट होते हैं और हमारे मेकअप पे हमारे बेस पर वो चिपक भी जाते हैं तो उसको इजीली हम रिमूव नहीं कर पाते हैं और अगर आप पहले आई मेकअप करते तो वो इजीली रिमूव हो जाते हैं तो सबसे पहले मैंने इनकी आई आईज पर मैंने ले लिया है कंसीलर जो कि है लाइटर शेड में और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं सिंपली दो कलर के साथ इस आई मेकअप को फिनिश करूँगी और मैंने हमेशा जो भी वीडियो शेयर की है मैं आई मेकअप में ज़्यादा आई शेड नहीं लेती हूँ मैं इस तरह का आई मेकअप करती हूँ कि कोई भी गर्ल्स इसको इजीली कर सकें और जो विगनर हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं उनके लिए भी इस तरह की वीडियोस ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिए तो यहाँ पर हमने ले लिया है ब्लैक आई शेडो और इसको हम देखिए किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हमारा ब्लैक आई शेडो डन हो गया है हम इसके ऊपर डायरेक्टली फिंगर की हाथ से ग्लिटर लगा लेंगे और हमारा जो आई मेकअप है वो डन हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग आई लाइनर अब हमारा जो भी फॉल आउट हुआ है उसको हम क्लीन कर लेंगे और मैं इनकी बॉटम लेस लाइन पर ब्लैक की जगह पर वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ इससे क्या है कि आपकी आइज ब्रॉडर दिखती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है मैं यहाँ पर आई लाइनर लगा रही हूं एंड फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इनके फिटमी का फ़ाउंडेशन लगा रही हूँ जो कि मैंने एक कैप में निकाल लिया है और जो कि शेड मेरे को इसका याद नहीं है कौन सा है लेकिन मीडियम से थोड़ा डार्कर टोन में क्योंकि इनकी जो पिगमेंटेशन है और बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रखे हैं फेस पर तो इसलिए मैंने इनके फेस पर इनकी स्किन से दो या तीन टोन डार्कर शेड लिया है Uh, जिसको मैं एज़ अ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ या हम बोलते बोल सकते हैं कि कलर करेक्टर की तरह मैं इसको अप्लाई uh, कर रही हूँ इससे क्या है इनके जितने भी ब्रेकआउट्स होंगे वो हाइड uh, हो जाएंगे और वो मिनिमाइज हो जाएंगे उसके बाद हम इनका फाउंडेशन यूज़ करेंगे इनकी शेड का स्किन टोन का एंड हम यहाँ पर इनके स्किन की जो टोन है उसी के शेड में हम इनका फाउंडेशन ले लेंगे और अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे अब मैंने यहाँ पर ले लिया है मेकअप सेटिंग स्प्रे और उसके बाद मैं इस फाउंडेशन को ब्लैंड करूंगी अब हम आई की भी एप्लीकेशन कर लेंगे अब हम इनके बेस को अच्छे से सेट कर देंगे लूस पाउडर की हेल्प से और बहुत ही अच्छा लूस पाउडर है अगर आप अफोर्डेबल में चाह रहे हैं तो इस ब्यूटी का लूस पाउडर आप ले सकते हैं इससे मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है अभी प्रोडक्ट ज़्यादा लगा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर हम कर रहे हैं इनकी बेकिंग और सेट सेट होने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हम डस्टॉप कर देंगे अब हम यहाँ पर इनके ब्लसर लगाएंगे सबसे पहले हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं कॉन्टोरिंग करने के बाद हम इनके ब्लसर लगाएंगे कॉन्टोरिंग मैंने बहुत ही शार्प करने की कोशिश की है जिससे कि इनके जो भी फ़ीचर्स हैं वो अच्छे से उभर के आए हम आईब्रोज़ को थोड़ा और टचअप देंगे क्योंकि हमारा जो बेस हो जाता है उसके बाद हमारा जो आईब्रो हमने फ़िल किया था वो काफ़ी लाइट हो जाता है और इनकी आईज़ पर ऑलरेडी कट है तो मैंने उसको नेचुरल रहने दिया है फ़िल अप नहीं किया है मैंने उसको यहाँ पर मैंने हाईलाइटेड भी लगा लिया था ऑफ कैमरा और जो कि वीडियो स्किप हो गई है एंड फाइनल लुक ये है आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा हमने यहाँ पर ये वेस्टर्न लुक क्रिएट किया है और इसके साथ ही हमने हेयर्स को बहुत ही सिंपल रखा है और हमने यहाँ पर इनकी जो हेयर स्टाइल है फ्रंट से काफ़ी स्लिक हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की है और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये सो so, ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा सो so, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ देन बाय टेक केयर एंड एंजॉय योर डे बाय